नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित तपोवन सुंदरधाम में पिछले 6 दिन से 72वें श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा था, जिसका समापन सोमवार को गंगा दशमी के दिन हवन की पूर्ण आहुति एवं भंडारे के साथ हुआ। आश्रम परिसर में होने वाले महायज्ञ में देश के सुख शांति और भगत जगत के कल्याण हेतु पूर्ण आहुतियां दी गईं। इस दौरान आश्रम में संत महात्मा सहित सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। आश्रम से जुड़े भक्त अनिल राय, पवन सिंगल, अनिल कानूनगो ने बताया कि श्री विष्णु महायज्ञ का 6 दिवसीय आयोजन परम पूज्य अनंत श्री 1008 विभूषित परम तपस्वी बाबा सुंदरदास जी महाराज की प्रेरणा से महामंडेश्वर श्री 1008 बालक दास जी महाराज के सानिध्य में हुआ है। ओम भेदकाराय नमः स्वाहा। ओम सीकराय नमः स्वाहा। ओम सिंहाय नमः स्वाहा। खरगोन जिले के बड़वाहा स्थित नर्मदा किनारे पर बने सुंदरधाम डेरी आश्रम में गंगा दशमी पर्व के अवसर पर विष्णु महायज्ञ के समापन को लेकर सुबह से अनुष्ठान का दौर शुरू हुआ, जिसके चलते दोपहर 3:30 बजे मंत्र उच्चारणों के बीच महंत बालक दास जी महाराज व नारायण दास जी महाराज सहित अन्य बाहरी क्षेत्रों से आए संत महात्माओं द्वारा हवन में आहूतियाँ दी गईं, जिसके बाद गुरुजनों सहित उपस्थित श्रद्धालुओं ने यज्ञशाला की परिक्रमा लगाई। इसके पश्चात आश्रम परिसर से नर्मदा घाट तक शोभा यात्रा निकाली गई, जहां पर गुरुजी द्वारा मां नर्मदा में डुबकी लगाई और मां नर्मदा मैया का अभिषेक पूजन किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन में नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से आए सैकड़ों भक्तों ने दोपहर 4:00 बजे भंडारा प्रसादी ग्रहण की। बता दें कि गंगा दशमी के अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आश्रम परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर यज्ञशाला में हवन कुंड का पूजन अर्चन कर दर्शन लाभ लिया। इस मौके पर नपाध्यक्ष प्रीति अनिल राय ने अन्य महिला मंडल के बीच जाकर आश्रम परिसर में भजन कीर्तन किए। गुरु जी बताए, आश्रम में गंगा दशमी को लेकर क्या आयोजन है आज? नर्मदे हर विष्णु महायज्ञ का आयोजन गत 71 वर्ष से चला आ रहा है, 72 वर्ष है। इसमें विश्व कल्याण, जन कल्याण और कोरोना महामारी की शांति के लिए ही हमारे संतों ने ये तपस्या का कार्यक्रम किया है और हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्री बालकदास जी महाराज ने ये 4 महीने चतुर्मास में अखंड अग्नि तप किया है। ये 18 वर्ष का कोर्स होता है पर महाराज श्री ने ये 42वां वर्ष है। उस महामारी की शांति के लिए हमारे महाराज जी ने तपस्या की है और उसके उपरांत ही ये गंगा दशमी को यज्ञ हुआ है। इसमें विशेष औषधियों से, विशेष सामग्री से इस विश्व कल्याण के लिए, कोरोना के लिए एक यज्ञ किया गया है और उसमें अनेक संत महात्मा पधारे हैं और आसपास के क्षेत्र के सभी भक्त लगभग कम रूप में आए हैं और यही भगवान की से हम लोग कामना करते हैं कि नर्मदा किनारे ये तब कार्य करता चलता रहे, यही हमारे इच्छा है। खबर मध्य प्रदेश के लिए बड़वाहा से वाजिद खान की रिपोर्ट।